हेलो माय फ्रेंड्स, वेलकम टू डॉग गेमर। आज हम दोबारा से खेलने जा रहे हैं GTA 5। तो जैसे कि आप लोगों ने पिछली वीडियो में देख लिया होगा कि लास्ट टाइम हम लोगों ने माइकल को फ्रैंकलिन से मिलाया था और गाइस दोनों ने मिलकर माइकल की यॉर्ड को बचाया था। और गाइस यॉर्ड को बचाने के चक्कर में अमांडा की गाड़ी का एकदम फुल नाश पीट गया था, उसकी गाड़ी कचरा हुई थी। तो गाइस हम लोगों ने गाड़ी तो उसकी लॉस एंड टॉस कस्टम से एकदम रिपेयर करा ली थी और गाइस उसकी गाड़ी को हम लोगों ने मॉडिफाइड भी कराया था, उस पर फुल पैसा लगाया था हम लोगों ने। तो गाइस आज का मिशन भी देख लेते हैं। तो गाइस मिशन तो होते ही रहेंगे हमारे, पहले हम घर को थोड़ा सा एक्सप्लोर मारेंगे और फिर बाद में जाके मिशन करेंगे। तो पहले हम यही कमरा चेक कर लेते हैं। तो ये जो ये वाला कमरा है ना, ये माइकल की बेटी का कमरा है। तो गाइस ये देखो, वो सामने इसका शीशा लगा हुआ है और ये सामने अलमारी है एक इसकी, जिसपे एक नाइटी टंगी हुई है। और तो कि गाइस अब हम चलते हैं माइकल के बेटे के रूम में। तो गाइस ये चेक करो, एकदम कमाल का रूम है इसका। ये देखो सामने इसका PC पड़ा है और गाइस ये LCD चेक करो, तकरीबन 128 इंच की तो लाजमी होगी है। और गाइस इसका पूरा कमरा एकदम चार्ट पेपर से भरा पड़ा है। और गाइस हम लोग यहाँ पे भी चेक कर लेते हैं। तो गाइस ये तो वही है, इसी रूम से हम लोग आए थे, इसी बाथरूम से जब हम फ्रैंकलिन पे स्विच थे। तो गाइस हम लोग यहाँ पे भी थोड़ा सा एक्सप्लोर मार लेते हैं। तो गाइस ये है हमारा अपना खुद का पर्सनल बेडरूम और ये हमारी LCD। और गाइस ये तो हमारा चेंजिंग रूम है, तो हमारे कपड़े तो एकदम बढ़िया हैं, तो हम चेंज नहीं करेंगे, इसी को ही रहने देते हैं। तो हम यहाँ से निकलते हैं और देखते हैं कि और आगे क्या है। तो गाइस ये जो ये कमरा है हमारे घर का, ये हमारे घर का एकदम गुप्त कमरा है। फिलहाल तो ये अनलॉक नहीं हुआ है, मगर क्या पता आगे अनलॉक हो जाए। तो मैं आपको अब नीचे वाला फ्लोर एकदम चेक कराता हूँ आपको। तो गाइस ये जो ये वाला कमरा है, ये हमारा है एकदम TV लाउंज। यहाँ पे हमारा स्लाइड प्रोजेक्टर लगा हुआ है एकदम। और गाइस ये है हमारा एकदम लग्जरी किचन। और यहाँ पे है हमारा एकदम छोटा सा गैराज, जिसमें हमारी एक एक गाड़ी खड़ी है जो हम लोगों ने बाहर रोड से चुराई थी। और गाइस देखो ये रहा हमारा लग्जरी किचन, और ये हमारी छोटी सी डाइनिंग टेबल। और गाइस ये चेक करो, एकदम हमारा पर्सनल खुद का पूल। और गाइस देखो ये जो सामने आप देख रहे हैं ना ग्राउंड, ये हमारा खुद का पर्सनल ग्राउंड है ये हमारा। तो मैं आपको एकदम करीब जाके दिखाता हूँ। तो गाइस ये देखो, ये एकदम बेसबॉल का ग्राउंड है या जो भी टेनिस का ग्राउंड है, ये हमारा खुद का ग्राउंड है। तो गाइस ये जो माइकल है ना, इसको गेम्स का बहुत ही ज़्यादा शौक है, तो इस वजह से इसका ग्राउंड खुद का, इसने अपना घर में ग्राउंड बना दिया अपने घर में। तो गाइस हम लोग अब एक आधे मिशन भी कर लेते हैं। तो ये रहा हमारा मिशन। अभी तो अंदर से आए थे। तो गाइस यहाँ पे एकदम रात से एकदम सुबह हो गई है और ये यहाँ पे मस्त हो गए TV देख रहा है। और इसका बेटा फुल शोर मचा रहा है। अभी से तप चढ़ रही है इससे। अब तो भाई जिमी की तो खैर नहीं है, अब जिमी गया, अब जिमी नहीं बचता। गाइस चेक करो इसके एकदम 1026 किल। अबे कौन सा गेम खेल रहा है ये? ओके गाइस अब अबे, और माइकल को गुस्सा आया और उसने अपनी 128 इंच की LCD तोड़ डाली। अबे क्या बंदा है ये? तो क्यों गाइस अब माइकल को एकदम फुल गुस्सा आया हुआ है। और ये कह रहा है कि तुम लोग सारा दिन कमरे में पड़े रहते हो, कुछ बाहर जाके कुछ एक्टिविटी किया करो। मगर गाइस LCD बहुत ज्यादा महंगी थी। मगर गाइस माइकल भी अपनी जगह सही है, क्योंकि वो भी तो अपना बैठ के प्रोग्राम ही देख रहा था कोई। तो गाइस माइकल ने उसे सॉरी कर लिया और अब ये कुछ इसे खुश करने के लिए कुछ करेगा अब ये। तो गाइस अब ये इसे मना रहा है कि हम लोग प्ले बॉल खेलने चलते हैं, बेस बॉल और बाइक राइड करने चलते हैं। तो क्या ये मान गया है, तो हम लोग चलते हैं बाइक राइडिंग के लिए। तो क्या जब हम चलते हैं बाइक राइडिंग के लिए, मोटर बाइक होगी या साइकिल होगी, चलो गाइस जो भी हो हम लोगों ने तो राइडिंग करनी है। तो गाइस ये रही हमारी एकदम ऑडी पुराने मॉडल की, तो हम लोग चल लेते हैं।
राइडिंग के लिए। तो यहाँ से हम लोग अपने घर से निकालते हैं। तो इसका घर बहुत ही ज़्यादा लग्जरी है एकदम। तो हम लोग चल लेते हैं एकदम फुल मस्त तरीके से। तो गाइस फाइनली हम लोग उस जगह पे तो पहुंच चुके हैं। और गाइस पूरा रास्ता बाप बेटा एकदम लड़ते रहे आपस में। जिमी कह रहा तुम लोगों ने तुमने हमारी एलसीडी की तोड़ी, और ये कह रहा कि तुम इतना शोर क्यों कर रहे थे। तो गाइस हम लोगों ने कहाँ खड़ी करनी है अपनी गाड़ी। और गाइस ये गाड़ी चेक करो एकदम कमाल की गाड़ी है ये। तो हम लोग अपनी गाड़ी को पार्किंग में लगा देते हैं। तो गाइस हमें कोई अच्छी सी बाइक चाहिए, साइकिल। तो गाइस देख लेते हैं कि हमारे पास कौन कौन सी साइकिलें हैं। और गाइस एक से बढ़ के एक चूतिया बाइक है यहाँ पे। तो भाई ये कुछ ढंग के लग रहे तो हम इसे ही चला लेते हैं। तो चलो भाई आ जा भाई। तो गाइस ये कह रहा है कि अगर तुम हार जाओगे तो तुम मुझे एकदम नई टीवी दिला के दोगे। और गाइस ये साइकिल एकदम कचरा है, ये तेज ही नहीं जा रही। तो गाइस फाइनली हम लोग इस एंड पॉइंट पे पहुंच चुके हैं। तो गाइस बीच रास्ते में जिमी हमसे बहुत ही ज़्यादा आगे निकल गया था। तो गाइस हम तो लगभग हार ही चुके हैं। तो गाइस हम तो वैसे भी हार गए हैं, तो हम लोग पहले इसको थोड़ा सा एक्सप्लोर मार लेते हैं यहाँ पे। हट जाओ आंटी। तो गाइस यहाँ से हम थोड़ा सा घूम जाते हैं। ए ये चीज़। तो गाइस चेक करो एकदम कमाल के नज़ारे हैं यहाँ पे। और सामने एक याच खड़ी है, और यहाँ सामने एक और कश्ती खड़ी है जिसके हमें पर्दे नज़र आ रहे हैं। और ये गिरेगा। तो गाइस जिमी तो जी चुका है और हम लोग हार गए हैं। तो गाइस ये कह रहे हैं कि अब तो तुम हार चुके हो, अब मुझे नया टीवी दिलाना। तो भाई हमारे पास तो इतने पैसे नहीं, हम बिल्कुल गरीब हैं। बस हमारा घर अच्छा है, मगर हैं हम गरीब। You wouldn't know fun if it sat on your face. Ah, come on. I mean, why do I have to hold your hand through this whole midlife crisis bullshit? And why don't you stick your nose up Tracy's butt sometime? Yeah, baby, hum because Tracy say. Doesn't buy cars she can't afford so that thugs break in our house. Tracy doesn't get kidnapped or destroy my yacht. Well, that's just because she's too busy getting fucked by dudes to get on TV. Guys, ye na Michael ki beti ke bare mein kuch bata raha hai. Ke wo na kahin party kar rahi hai. I mean, according to her Life Invader page, she's hanging out with producers and porno guys this afternoon. What are you talking about? Actually, it's all happening right out there. What? That boat. तो गाइस ये कह रहा है कि ना जो इसकी बेटी है ये याच पे है, वहां जाके ये पार्टी कर रही है। तो हम लोग जाके देख लेते हैं कि ये सही कह रहा है कि नहीं। This is the reason you brought me here, isn't it? You fuck. Dad, wait. तो finally guys, अब हम लोग जाके देख लेते हैं याच के अंदर। तो गाइस यहाँ का पानी देखो एकदम क्लियर साफ नज़ारे हैं, एकदम कमाल की स्विमिंग है हमारी। तो गाइस मज़े मज़े में मैं तो भूल ही गया था कि हम लोगों ने ऊपर भी जाना है, वरना हमारी हेल्थ ख़त्म हो जाएगी। तो हम लोग चल लेते हैं एकदम ऊपर और देखते हैं कि हमारी बेटी वहाँ पे है भी कि नहीं। तो गाइस फाइनली हम लोग इस याच पे पहुंच चुके हैं। और गाइस यहाँ पे पार्टी का साउंड तो आ रहा है, तो इसका मतलब कि वो सही बोल रहा था जिमी, एकदम करेक्ट बोल रहा था। तो हम लोग जाके देख लेते हैं कि ऊपर हमारी बेटी है अभी कि नहीं। तो हम यहाँ से चढ़ जाते हैं ऊपर। और देखते हैं कि आगे क्या क्या सीन है। तो गाइस यहाँ पे ये फुल पार्टी कर रही है। और ये बात फुल माइकल को एकदम गुस्सा आ गया। Dad, you're embarrassing me. These are my friends. Yeah, you're embarrassing her, dude. They're shooting porno here. They shoot porno all over town. Mom rented our house to them last summer. What? Our house? Yeah. Man, you gotta kill her bad, man. Isn't it awesome? Let's go. Those walls can talk. You think I do it? Hey. No. Hey. तो क्या अभी ये इसको लेके जा रहा है? ओ ओ नहीं नहीं नहीं। यार माइकल का जब दिमाग खराब हो जाता है ना, तो इसे खुद को पता नहीं लगता कि ये क्या कर रहा है। तो क्या हमने एकदम बिला फजूल में उनसे पंगा ले लिया। और ये हैं भी एकदम बिल्डर हैं सारे। तो ये देखो इनकी बिल्ड चेक करो। और गाइस अब हमारा पता नहीं क्या होगा। और इनके पास गन भी हैं। ले भाई अब हम कहाँ जाएंगे यार, हर तरफ से पानी पानी है।
यार अब क्या होगा, ये तो हमारे एकदम पत्ता ही काट देंगे। तो भाई हमारे पास भी गन है, हम लोग ऐसे ही इनसे डर रहे थे। अब आओ हरामियों, अब आओ, निकल 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 भैंस की दूँ। ये गया और ये दूसरा भी गया। तो गाइस फाइनली हम लोगों ने अपने बेटे के दोस्तों को एकदम मार दिया, फुल जान से ही मार दिया। तो गाइस अब हम इसको लेकर चलते हैं ज़मीन पे, और यहाँ पे शायद रेस का ट्रैक है, हम लोग यहाँ पे चले गए। और ये बात तो भाई ये एकदम तो भाई ये एकदम खुशकी पे भी चलती है ये बोट। और गाइस फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं अपनी डेस्टिनी पे। तो भाई ये खड़ा जिमी, और ये अब इस पे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा है। ले भाई इसने सारा इल्ज़ाम हम पे डाल दिया। तो गाइस ये कह रहा था कि ना मेरा दिन तो खराब गया, मैं तुम्हारा भी दिन खराब करूंगा। और गाइस हम लोगों ने ऐसे ही एवी में ही इसके दो दोस्त मार दिए, और ये एकदम रो रही है फुल इसके दोस्त की मौत पे, दोस्तों की मौत पे। तो गाइस हमारा मिशन तो हो गया पास। और गाइस यहाँ पे एकदम माइकल फुल अफसोस में बैठा है। तो हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग स्विच हो जाते हैं एकदम फ्रैंकलिन पे। एक मिशन करेंगे माइकल का, एक मिशन करेंगे हम लोग फ्रैंकलिन का। तो भाई हम लोग स्विच हो जाते हैं फ्रैंकलिन पे। तो भाई ये रहा फ्रैंकलिन, देख लेते हैं कि ये कहाँ पे फिर रहा है ये। तो भाई ये भी करीब ही है यहाँ पे, ये भी एकदम बीच पे आया हुआ था यहाँ पे, ये पता नहीं बीच पे कॉफ़ी पीने आया था। चलो गाइस अब हम चलते हैं फ्रैंकलिन का एक मिशन करने। तो गाइस हम लोग ऐसे ही चलेंगे, एक मिशन फ्रैंकलिन का करेंगे, एक मिशन माइकल का करेंगे, फिर एक माइकल का करेंगे, फिर एक फ्रैंकलिन का करेंगे। तो गाइस हम लोग ऐसे ही पूरा गेम ख़त्म करेंगे। तो गाइस हम लोग चल लेते हैं एकदम यहाँ पे, हम लोग मार्क लगा लेते हैं थोड़ा सा। और गाइस ये गाड़ी कमाल की एकदम, और ये भी गाड़ी कमाल की यार। जब भी कोई हमारे साथ से गाड़ी निकालता है ना, तो हमें बहुत ही ज़्यादा अफसोस होता है, और फुल एकदम गुर्बत शो होती है हमारी। तो गाइस हम लोगों ने एकदम फुल मार्क लगा लिया, और हम चलते हैं फुल मिशन करने। तो गाइस फाइनली हम लोग मिशन पे पहुंच चुके हैं। तो कहाँ गया हमारा मिशन? तो गाइस ये रहा हमारा मिशन, हम लोगों ने इस लड़की की मदद करनी है, तो हम लोग इसकी भी मदद कर लेते हैं। तो इसका नाम शायद से टोनी है, पता नहीं जो भी है टोनी। तो गाइस ये जो इसके मिशन होते हैं ना, ये ट्रक के मिशन होते हैं कि ट्रक से कोई गाड़ियाँ लोड करनी होती है और लोड करनी होती है, और हमारी गाड़ी का एकदम खच्चड़ मच चुका है यहाँ पे। तो हम लोग इसको लेके चले थे, तो इसका नाम है टोनिया। और गाइस फाइनली हम लोग वहाँ पे पहुँच चुके हैं। तो या गाइस ये रहा ट्रक, हम लोग यहाँ पे पार्क कर देते हैं। और गाइस ये जो पार्किंग है, ये एकदम जादुई पार्किंग है। यहाँ पे देखना हमारी गाड़ी का एकदम नाश पिटा हुआ है, जैसे हम लोग मिशन करके आएंगे और हमारी गाड़ी एकदम फुल न्यू 0 मीटर हो जाएगी। तो भाई हम लोगों ने इस टोनिया को भी लेना है, तो हम लोग इसको भी ले लेते हैं। आ जाओ भाई जल्दी जल्दी आ जाओ मैडम। तो अब हम चलते हैं किसी गाड़ी को टो करने। तो हम लोग यहाँ से निकालते हैं बिल्कुल आराम आराम से, और चलते हैं अपने मिशन की तरफ। तो गाइस फाइनली हम लोग अपने मिशन पे पहुँच चुके हैं, जहाँ से हम लोगों ने गाड़ी उठानी है। और गाइस पूरे रास्ते इस लड़की ने हमारा सर खाया एकदम। और गाइस ये जो ट्रक है, ये एकदम फजूल ट्रक है, ये कचरा। तो गाइस यहाँ से हम लोगों ने उठानी है ये गाड़ी, ये जो SUV है, हम लोगों को इसी को टो करके लेके जाना है। तो हम लोग इसको फुल एकदम प्रोफेशनल तरीके से टो करेंगे। तो यहाँ से ऐसे हम थोड़ा ट्रक को कर लेते हैं पीछे, और पीछे करके फिर एकदम फुल इसे सीधा करके टो करेंगे। अब थोड़ा सा कर लेते हैं ऐसे, अभी भी नहीं होगी यार। तो गाइस अब ये टो हो जाएगी, तो हम
तो फाइनली गाइस ये गाड़ी हो चुकी है टो, तो हम लोग इसको लेके चलते हैं वहीं से जहाँ से हम लोगों ने ये ट्रक उठाया। तो चलो भाई हम लोग चलते हैं वहीं पे, यहाँ से हम लोग ले लेते हैं एक लेफ्ट बिल्कुल आराम आराम से। और यार इस ट्रक में ना यही मसला होता है, एकदम सामने की चीज़ें नज़र ही नहीं आती। तो हम लोग फिर से अपने ट्रक को भगाते हैं और चलते हैं इस ट्रक की पार्किंग पे, पार्किंग स्पॉट पे। सो फाइनली गाइस हम लोग वहाँ पे पहुँच चुके हैं, तो भाई यही है एकदम राइट साइड पे, तो हम लोग चल लेते हैं। हेलो मैडम हट जाओ, मैडम नहीं ये शायद से बंदा है, एकदम रोड पे खाली रोड पे हेलमेट पहन के चल रहा है भाई, अजीब बंदा ये भी कसम से। तो हम लोग इसको पार्क कर देते हैं, अब हमसे लड़ेगा है, रुक जा इसको पार्क कर लूँ मैं। तो भाई यहाँ पे हम लोग अब आ जा आ निकल। तो गाइस मिशन पास हो चुका है ये वाला भी, एक फ्रैंकलिन का मिशन भी पास हो चुका है। तो गाइस ये देखना गाड़ी हमारी एकदम फुल नहीं हो चुकी होगी, ये देखो यहाँ पे पहले एकदम फ्रंट इसका एकदम टूटा फूटा था, तो अब एकदम नया हो गया है। तो हम लोग चल लेते हैं एक और मिशन करने, फिर एक माइकल का मिशन भी कर लेंगे। यार एक तो इसकी बातें ही नहीं ख़त्म होती इस लड़की की, सारा रास्ता एकदम सर खाती रहती है ये हमारा। तो गाइस अब हम चल लेते हैं एकदम कहाँ चलें तो हम लोग चल लेते हैं इस क्वेश्चन मार्क पे। तो हम लोग यहाँ पे लगा लेते हैं मार्क। तो गाइस एकदम सीधा सीधा ही है, यहाँ पे हमारे घर के एकदम बिल्कुल सामने है। तो हम लोग फुल तेज़ अपनी गाड़ी को भगाते हैं और चलते हैं एकदम क्वेश्चन मार्क से क्वेश्चन पूछने। यार अभी एकदम नई गाड़ी कराई थी हम लोगों ने एक मिशन करके वो भी, और गाइस हम लोग थोड़ा सा गलत आ गए हैं, हम लोग एकदम मोड़ लेते हैं। और गाइस देखो फिर से हमारी गाड़ी का एकदम नाश पिट चुका है, और यहाँ से ले लेते हैं हम एक गोल चक्कर। और गाइस हम लोगों ने जाना है यहाँ से राइट, और गाइस ये है हमारा अगला मिशन, चाइनीज है ये शायद से। और गाइस इसकी गाड़ी चेक करो एकदम फुल मफलर शफलर लगाया हुआ है उसने, विंग्स लगाए हैं इस गाड़ी पे, एकदम कमाल की गाड़ी है यार इसकी। He's a fool, bro. It's sometimes. Anyway, talking of fools, what would you say if I told you some fools I knew were running a little racing competition? And as luck would have it, they got this really beautiful silver medal with your name on it. I say go fuck yourself. Bronze medal then? कैसी है? तो क्या ये जो बंदा है ना ये शायद से रेसर है, तो कह रहा था कि ना हमारे साथ रेसिंग करो और जो जीतेगा ना उसके साथ उसके नाम के साथ एक सिल्वर रंग का मेडल लग जाएगा, पता नहीं क्या, तो ये शायद से यही रहा था। तो हम लोग चल लेते हैं रेसिंग करने। तो गाइस रेसिंग का ट्रैक तो कोई रेसिंग का है नहीं, और यहाँ से ट्रेन भी आ चुकी है पता नहीं कहाँ से, मगर साउंड तो आ रहा है ट्रेन का। तो गाइस वो जो रेस का ट्रैक है वो कह रहा था यहीं पे है, मतलब उसका कोई खास ट्रैक नहीं है, मगर पूरे शहर में हम लोगों ने फुल गाड़ी भगानी। और यार ये ट्रेन भी चली जाए, यार ट्रेन भी आई जा रही है, ओ भाई बस कर दे। तो गाइस फाइनली हमारी रेस हो चुकी है स्टार्ट, और फिलहाल तो हम लोग एकदम फिफ्थ पोजीशन पे। ओ नहीं यार हम लोग हार जाएंगे ऐसे। तो गाइस फिलहाल हम लोग थर्ड पोजीशन पे हैं, अभी हम लोग एकदम कट से अपना रैंक उठाएंगे। तो गाइस फिलहाल तो अभी भी हम लोग तीसरी पोजीशन पे हैं, ये वाला कट, इसी कट से हम लोग अपने रैंक बढ़ाएंगे। तो गाइस फाइनली हम लोग एकदम पहली पोजीशन पे, यार ये गलत सीन हो गया। तो गाइस नहीं फिलहाल अभी भी हम लोग एकदम पहली पोजीशन पे, और पीछे वाला हमारी पीछे से लेने के चक्करों में है। और गाइस नहीं ऐसा नहीं करना। तो गाइस ये एकदम फुल निकलने की कोशिश कर रहा था, मगर हम लोगों ने भी एकदम रास्ता नहीं दिया।
तो क्या गाइस फाइनली हम लोग एकदम रेस जीत चुके हैं। तो गाइस इस रेस के एकदम दो लूप थे, एक पहला लूप ख़त्म करो और गाइस हम लोगों को मिले एकदम $200। और गाइस ये मिशन हो चुका है पास और हमारे अब नाम के साथ एक कुछ सिल्वर मेडल भी लग जाएगा। तो गाइस इनकी गाड़ियाँ भी बहुत तगड़ी तगड़ी थी, तो इन लोगों ने दो बंदों ने यहाँ पर गाड़ी रोकी है, तो हम लोग इसकी गाड़ी देखते हैं कैसी है और अगर अच्छी लगी तो हम लोग गाड़ी उठा लेंगे इनकी। ओ भाई कहाँ जा रहा हूँ मैं। तो भाई ये गाड़ी तो कुछ ख़ास नहीं है यार, बेकार ही है यार, और ये गाड़ी तो और भी ज़्यादा बेकार है। बाकी पीछे वाले तो एकदम नॉर्मल कार्स हैं और ये पता नहीं कोई 2000 मॉडल की गाड़ी है। तो भाई अब हम चलते हैं अपने घर पे। तो भाई अब हम चलते हैं अपने घर पे, यहाँ पे हम लोग अपने मैप पे मार्क लगा लेते हैं। तो गाइस हमारा घर एकदम करीब है, घर जाके हम थोड़ा सा सो लेंगे क्योंकि हम लोगों ने अभी फ़िलहाल दो मिशन किए हैं, दो लोगों की मदद किया है, मदद तो एक बंदी की थी, बाकी फ़िलहाल मिशन दो किए हैं हम लोगों ने। तो भाई अब हम चलते हैं एकदम। तो भाई ये तो खुद चला जाएगा, हम लोग अब स्विच हो जाते हैं एकदम माइकल पे और करते हैं माइकल का मिशन। तो भाई ये पता नहीं कहाँ फिर रहा होगा ये माइकल। तो गाइस फाइनली हम लोग माइकल पे एकदम स्विच हो गए हैं और ये अपने फ़िलहाल तो घर पे ही है, तो हम लोग चल लेते हैं किसी मिशन पे। तो फ़िलहाल ये घर पे किसी का इंतज़ार कर रहा है। तो गाइस ये इंतज़ार तो नहीं कर रहा है, तो हम लोग चल लेते हैं इसको मिशन कराने के लिए। चलो अभी यहाँ से हम लोग निकालते हैं अपनी गाड़ी को, और यहाँ से नहीं निकाला, ये तो हमारा छोटा गेट है ये बात। तो भाई हम लोग चल लेते हैं एकदम इस क्वेश्चन मार्क पे। तो भाई एक एल भी है मगर एल का मिशन हम लोग कल करेंगे। तो ये रहा क्वेश्चन मार्क और चल लेते हैं हम लोग क्वेश्चन मार्क पे एकदम माइकल का मिशन करने। तो गाइस फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं क्वेश्चन मार्क पे, तो हम लोग इससे पूछ लेते हैं कि हमारा मिशन क्या है। तो हम लोग बिल्कुल आ गए एकदम, बिल्कुल मिशन के पास पार्क करेंगे ये यहाँ पे। तो गाइस जो मिशन है वो हमारी नज़रों के एकदम सामने है और गाइस यहाँ पे एकदम रात हो रही है फिलहाल। तो गाइस वो जो हम लोगों ने रेसिंग की थी वो रात में थी। तो गाइस ये पता नहीं कौन बंदा है। लीगलाइज तो गाइस ये पता नहीं किस पेन के बारे में बात कर रहा है जो इसके हाथ में है। तो गाइस ये पता नहीं किस मार्कर के बारे में बात कर रहा है जो इसके हाथ में मार्कर। तो गाइस यहाँ पे एलियन आ गए, हमारी धरती पे एकदम एलियन आ गए हैं और ये हमें एकदम फुल मारने की प्लानिंग कर रहे हैं। तो हम इनको एकदम फुल इनको भूत बनाते हैं इनका। आ जाओ आ जाओ, और भी आ जाओ, जिसने टपकना है आ जाओ। फुल एलियन को भी बताएंगे कि हमारी धरती पे कितने बंदे रहते हैं, कैसे कैसे बंदे हमारी ज़मीन पे। तो ये गलत सीन हो गया और इसने हम पे कोई जादू टोना कर दिया इसीलिए ने हम पे। अब हम लोग क्या करें। तो क्या हम लोगों ने इसका जादू वापसी इसी पे कर दिया और ये फाइनली एकदम जल के भस्म हो गया। और भी आ गए, और भी आ गए और एकदम फुल हर तरफ से आ रहे हैं। इनका UFO किधर है। यार हर तरफ से एकदम अटैक कर रहे हैं और ये गलत बात है। तो फुल गाइस हमारे पास भी एकदम मशीन गन है और फुल हम लोग ये फिर से जादू टोना कर रहा है और फिर से हम लोगों ने इसका जादू वापसी इस पे कर दिया और ये फिर एकदम तबाह हो गया। और गाइस हमारे पास जो मशीन गन है ये बहुत ही ज़्यादा कमाल की है। कहाँ गया भाई, कहाँ से मार रहे हो यार हम पे। यार ये इन लोगों ने हमें मार दिया, वेपराइज्ड कर दिया हम लोगों को। तो भाई कोई बात नहीं, हम लोग एक और बड़ी ट्राई करके देखते हैं। अब आ जाओ भाई। और गाइस
ये गन वाकई में बहुत ज़्यादा कमाल की, और हम लोग अपनी गाड़ी फाड़ेंगे इस गन को। हट गया, और गाड़ी हम लोगों ने अपनी गाड़ी फाड़ दी एकदम। और ये गन ना हम लोग अपने लिए भी ये खरीदेंगे। फिलहाल तो हमारे पास इतने पैसे तो हैं कि हम लोग एक गन खरीद सकें। और गाड़ी एकदम एलियन भर भर के आ रहे हैं यहाँ पे। और कहाँ हैं, और कहाँ हैं, तो एक ये ऊपर खड़ा हुआ है। मर जा मर जा मर जा। और तू भी मर जा। ओ ओ, ओ नहीं नहीं नहीं, पीछे से लाइटिंग कर रहा है हमारे ऊपर। मर जा मर जा मरदूद। तो हर तरफ से एकदम एलियन भर भर के आ रहे हैं हमारे ऊपर अटैक कर रहे हैं एलियन। क्या हो रहा है यार, ये हमारी जमीन पे एलियन कहाँ से आ गए? और भाई ये पता नहीं क्या हो रहा है यार, और इन्हें एकदम आ ही जा रहे हैं, मरते हैं फिर आ जाते हैं, मरते हैं फिर आ जाते हैं। तो हम लोग वेपराइज्ड हो गए। तो हम लोगों ने वापसी इसका जादू टोना इस पर कर दिया है। एकदम फुल भर भर के आ रहे हैं, और ये बंदा पता नहीं कहाँ चला गया हमें इस दोजक में अटका के। तू मार ले पहले। तो ओके गाइस, फाइनली यहाँ पे एकदम एलियन ख़त्म हो चुके हैं, और ये वापस आ गया। यार ये क्या किया है यार, ये पता नहीं क्या हो गया था यहाँ पे, एकदम फुल अचानक से एलियन आए, हम लोगों को एकदम वेपराइज किया, और हम लोगों ने उनको बंदे मारे, एलियन मारे। यार क्या था ये? तो ओके गाइज, माइकल का भी एक मिशन हो चुका है कंप्लीट। और गाइज, आज की इस वाली वीडियो में इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और मेरे चैनल को कर दें सब्सक्राइब। मैं आपसे मिलूंगा अगली वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट।